1800 क्या अज्यूम करोगे ये हुए क्लियर कि नहीं हुए? क्यों ऐसा किया? लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि क्लियर हो गया है तो बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, लास्ट पार्ट में दिया हो रहा है ये 1200 क्लियर नहीं हुआ तो बैलेंस क्लियर हो गया। तो इसमें से BRS में क्या नड़ेगा? ये 1200 तो नड़ने वाला नहीं है, तो ये 4+6 और ये कितना होता है 2800। सीबी गोज डाउन, पीबी फ्लैट, एरो मूव्स अप, नॉर्मली वायर्ड, हियर यू बोलो कसम। बराबर तो है। इज दिस क्लियर गाइस? मल्टीपल चेक्स दोनों समझ में आए? मल्टीपल चेक्स में क्या करने का, ब्रेक इट डाउन, टेक देम वन बाय वन और लास्ट पार्ट पढ़ो, लास्ट पार्ट में क्लियर हुआ तो बैलेंस क्लियर नहीं। देन सी द थर्ड वन, बैंक पासबुक शोड डेबिट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर लास्ट 6 months 190। द सेम वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑर्डर रिसीट साइड। लोचू शू आयु से जो है पहले तो कौन से बुक में एंट्री आया? पासबुक गोज अप और डाउन? बैंक पासबुक शोड डेबिट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, राइट? पासबुक गोज डाउन, दैट्स योर एक्सपेंस 190, पासबुक वेंट डाउन। व्हाट विल यू अज्यूम? अज्यूम क्या, सॉरी क्या दिया? कैश बुक एंटर तो किया है बट ऑन द रिसीट साइड, करना था नीचे कर दिया ऊपर, रॉन्ग साइड, अभी क्या था ना रॉन्ग साइड, तो एरो मूव्स लेफ्ट टू राइट बट डबल, सो नॉर्मली वी सब्ट्रैक्ट बट योर बी, ये समझा? रिवर्स ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड तो डबल, द गैप वुड बी डबल ऑलवेज। मिस्टर सौरभ, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 1050 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ मोनिश फॉर विच नो एंट्री अपीयर्ड इन कैश बुक। कौन से बुक में एंट्री आया? ऐसा आया कि गया 1040, ये अब नॉर्मली यू एड, हियर यू सब्ट्रैक्ट 1040, इज दैट राइट? कंफर्टेबल? स्टूड एफ वाला पढ़ो, एफ वाला थोड़ा ट्रिकी है। एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बाय मोनिश, बैंक हैड कलेक्टेड अ डिविडेंड ऑफ 400 व्हिच वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 40। पहले कौन सा बुक में एंट्री आया? अप और डाउन? बाय 400। कैश बुक भी जाना चाहिए था लेकिन क्या लोचा हमारा, 40 नीचे के ऊपर, ऊपर ही गया बट 40 इज एरो मूव्स अप, नॉर्मली यू एड, हियर यू -360 सबट्रैक्ट 360। एंट्री दोनों बुक में आई लेकिन कैश बुक में अमाउंट रॉन्ग कर दिया, दैट इज ऑल्सो रीजन ऑफ डिफरेंस। समझ रहा है? अ डेबिट एंट्री इन द पासबुक ऑफ बैंक चार्जेस 20 rupees वॉज मेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑन रिसीट साइड वॉज एडेड शॉर्ट बाय 200। एडेड शॉर्ट मतलब अंडर रिसीट साइड, अंडरकास्ट रिसीट, ओवरकास्ट मतलब पैसा आया, रिसीट अंडरकास्ट मतलब पैसा। कौन सा बुक है? कैश बुक गोज डाउन। समझ में आया? रिसीट और पेमेंट में कन्वर्ट कर दो, वो तो दिया ही है रिसीट, अंडरकास्ट तो नीचे, ओवरकास्ट तो ऊपर। सो एरो मूव्स अपवर्ड, नॉर्मली यू एड, हियर यू सब्ट्रैक्ट, इज दैट क्लियर? ये आपका 200 रुपए का गैप आ गया बैलेंस में। लास्ट वन, सेवेंथ वन, क्या दिया है? अ डेबिट एंट्री इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस 20 वॉज मेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। पहले तो कौन से बुक में एंट्री आया होगा? डेबिट एंट्री 20 rupees, पासबुक गोज डाउन, इट वॉज मेड इन द कैश बुक एज वेल। कैश बुक में भी एंट्री आया है लेकिन कैश कॉलम, वी आर डीलिंग विथ विच कॉलम? तो कैश कॉलम में आया मतलब एज गुड एज नॉट एंटर्ड ओनली, नॉट कंसर्न, नो इफेक्ट। हम लोग को कौन सा कॉलम में चाहिए एंट्री? तो कैश में करो कि कैपिटल अकाउंट में डालो कि फर्नीचर में डालो, और कोई बलता अकाउंट को BRS को लेना देना है ही नहीं। वी आर कंपेयरिंग व्हाट? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद पासबुक, उसी से लेना देना है, बाकी कोई भी बलते अकाउंट में क्या। तो यहां पर कोई एंट्री आया कि नहीं?
यहाँ पे आई नहीं है, ये फ्लैट रह गया, एरो गोज डाउन प्लस 20, got it? Hello? So, finally, what's your answer? 8,000? Exact. Positive. Positive 4? Positive 4 आ रहा है? मिला positive 4? Should be sure, ना? Sir, बराबर ही है. Sir, 4,000? Yeah, 4,000 बराबर है. Positive ना? Positive. वो कितना है? 4,020? Yeah, 4,020. 20 कैसा? 20 ना? 20 का. 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 20 जैसे लाइन में जाते हैं ना तो -20 आता है, लास्ट में +20. हाँ, तो ना बैंक पॉजिटिव आया ना, ओडी से चालू किया तो क्या लिखोगे? बैंक ओडी एज पर पास, नेगेटिव आता तो क्या लिखते? बैंक बैलेंस. लास्ट सम, सम नंबर वन करना है आपको, खुद से करना है होमवर्क. नहीं, इसका स्टेटमेंट होमवर्क है, स्टेटमेंट सबका ही होमवर्क है. फर्स्ट का भी स्टेटमेंट होगा, खाली एरोस करना है. फर्स्ट सम इज अ वेरी स्मॉल सम, दोनों दिया हुआ है उधर, देखो सीबी का भी बैलेंस दिया है, पीबी का भी दिया है. कहां से कहां जाना है बताओ मेरे, सब लोग एक साथ जाना, आड़ा उड़ा मत करना. कैसे जा रहे हो बोलो मेरे को, ऑल ऑफ यू विल गो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू वन डायरेक्शन. किधर से किधर जा रहे हो? पक्का सीबी टू पीबी? सब लोग नॉर्मल है कि ओडिया भी पढ़ो? नहीं नहीं नॉर्मल है क्या? पासबुक क्रेडिट. व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक? नॉर्मल डेबिट ऑफ कैश. नॉर्मल. सो योर स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी व्हाट? आई थिंक 9,000. सीबी से स्टार्ट कर रहे हो आप, सो स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी 9,000. यू आर मूविंग फ्रॉम सीबी टू. So what's your end answer? क्या आएगा आपको end answer? End answer 14,500 आना चाहिए, right? करो खुद से, multiple checks वाला है, ऐसा ही है, खुद से try करो. Come on. Do the arrows, show me the book, and then you can go. Homework आपको Tuesday को 17वां sum दिखाना है, which one? 17th sum with statement दिखाना है आपको, और बाकी statements on Saturday. नहीं नहीं, स्टेटमेंट नहीं करना है, होमवर्क सब स्टेटमेंट होमवर्क. फर्स्ट फर्स्ट में क्या खाली एरो करना, चार ही आइटम से चार एरो करो. शो मी द बुक एंड गो. फर्स्ट वाले का एरो करो, इसका साइड छोड़ देना स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट भी होमवर्क ही है. आता है ना स्टेटमेंट फ्रेमिंग, प्रॉब्लम है किसी को? सिंपली कॉपिंग डाउन द क्वेश्चन. इट
અરે કેમ મારે ઓલું આવશે જે આપેલું છે રેકોર્ડિંગ.